ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ काऊ घी, देसी गाय का घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी, इम्यूनिटी बढ़ाए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। बिटिया खूब खुल के चले बूटन थे प्रधानमंत्री। हमको जिताइए, हमने भी बोला आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। अखिलेश भाई उन्होंने ये कहा खुश रहो आप। हाँ खुश रहो, तो हम तो खुश हैं। और फिर जीत जाए तो हम तो अत खुश हैं, बहुत ही खुशी है हमारे लिए। बे सब कुछ है और बिना कोई सब कछु है। यहाँ मोदी ने तो कहूँ यहाँ कछु नहीं करो, बस सिर्फ मार डालो सब जनता को, वही खत्म और कर दो माने बिल्कुल। तो खूब और चंदीरा मखी बता दिए जब मैं चार छाक मकान है हम यहाँ नहीं बोट दिया ले ले पैर कह दे। एक जोश है जो मतलब हर महिला में होना चाहिए, एक उत्साह है और उन्हें जिताकर ही रहेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में हर गुजरते दिन के साथ प्रचार तेज होता जा रहा है। ऐसे में डिंपल यादव जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, वो खास तौर पर महिलाओं से मिल रही हैं क्षेत्र के और उनको ये कह रही हैं कि वो क्षेत्र की बहू हैं और उनका समर्थन मांग रही हैं। अभी हम लोग हैं हवेली गांव में और यहां पर भी थोड़ी देर पहले वो आई थी और इन महिलाओं से ही मिलकर गई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या कहा डिम्पल यादव जी ने, क्या कहा डिम्पल यादव जी ने? उन्होंने क्या कहा? उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब लोग उनको वोट दे रहे हैं, समर्थन मांगा बिल्कुल, समर्थन देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए जैसा नाम आप अपना बताइए। मिथिलेश यादव। आप नाम बताइए अपना। बीनू यादव। बीनू जी ये बताइए कि जिस तरह से डिंपल यादव जी वोट मांग रही हैं, खासतौर पर वो महिलाओं से जरूर मिल रही हैं और उनसे समर्थन मांग रही हैं कि वो भी बहू हैं, आप लोग भी यहाँ बहू हैं, तो लग रहा है कि एक कुछ ताकत सी आ रही है, एक जोश है जो मतलब हर महिला में होना चाहिए, एक उत्साह है और उन्हें जिताकर ही रहेंगे हम सब लोग। ये हम लोगों की मतलब प्राथमिकता है, हम उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को देंगे। अच्छा, यहाँ डिंपल यादव जी वोट मांग रही हैं लेकिन नेताजी के नाम पर पूरे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि नेताजी के नाम पर आप लोग वोट देंगे या कोई और मुद्दा है उस पर वोट देंगे? नेताजी हैं, नेताजी तो चले गए, उनकी बहू हैं, लड़के हैं, सब लोग मिलकर उन्हें वोट मिलेगा, उनकी जीत होगी। अभी आई थी, कुछ कहा आपसे? कहा कुछ नहीं, बस वोट मांगे, जो कुछ कहा सो बस वोट वोट मांगे जाके हमको सब मिल के जिताइए। क्या नाम है आपका? डॉली। आप बताइए क्या नाम है? मेरा संगीता। संगीता जी ये बताइए कि अभी डिंपल यादव जी आई थी, क्या कहा उन्होंने, समर्थन कैसे मांगा आपसे, क्या कहा? खुश रहो, हमको जिताइए, हमने भी बोला आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। अखिलेश भाई उन्होंने ये कहा खुश रहो आप। हाँ खुश रहो, तो हम तो खुश हैं और फिर जीत जाए तो हम तो अत खुश हैं, बहुत ही खुशी है हमारे लिए। बे सब कुछ है और बिना कोई सब कछु है। यहाँ मोदी ने तो कहूँ यहाँ कछु नहीं करो, बस सिर्फ मार डालो सब जनता को, वही खत्म और कर दो माने बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं सुनने के लिए तो उनको आई ही थी, आपने सुना डिंपल जी से बात हुई आपकी? हाँ, डिंपल जी ने वोट मांगा। क्या नाम है? शिव कुमारी। क्या कहा उन्होंने? हाथ जोड़े वोट मांगो और डिंपल को दिए वोट, बे ना मांगे तो दिए डिंपल सब कुछ हुए। अच्छा, नहीं मांगेंगी तो भी वोट देंगी। क्या नाम है आपका? रामती। और जी आप बुजुर्ग महिला हैं, ये बताइएगा कि डिंपल जी जहाँ जा रही हैं वो ये कह रही हैं महिलाओं से खासतौर पर कि वो भी मुलायम सिंह यादव जी की बहू नहीं है, क्षेत्र की बहू है, हर परिवार की बहू है, तो ये अच्छी लग रही है? ये अच्छी लग रही बहू खूब और चंदीरा मखी बता दिए जब मैं चार छाक मकान है हम यहाँ नहीं बोट दिया ले ले पैर कह दे। खुश हैं आप? बताइए बेटा नहीं के वोट है सबका नहीं क्यों? लेकिन ये बताइए ना, वोट तो आप उनको देंगे सब लोग बता रहे हैं, लेकिन वजह उसकी क्या है ये बताइए? अच्छी लगती है दुकारी? आज खूब अच्छी लगती है खूब, और जो दुकारी आए सुना ही जानती है, हमें दुकारी आए जब बाबू है अच्छे काम करे। अच्छा अच्छा, ये बताइए बहुत वो जैसे यहाँ आती हैं, एक बात जरूर कर रही हैं कि वो परिवार में वो मतलब जैसे बहू हैं, तो आप लोग मानती हैं कि आप लोगों की भी बहू हैं हर परिवार की? मानती खूब मानती मानती कहने खूब मानती। अच्छा, ये बहुत प्यार करती हैं बता रही हैं। अच्छा अच्छा, ये
ये समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, आपको लगता है कि नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर ये चुनाव है? सामने बीजेपी का भी कैंडिडेट है, वो आपको नहीं लगता कि कुछ? प्रार्थना तो यही है कि दीदी ही जीते, और मतलब इससे ज्यादा तो हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें बस यही उस दिन का इंतजार है जब हमारा नेता हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि इस नेता नगरी में तो हमारा बिल्कुल ही सफाया हो चुका है। नेताजी का जो क्षेत्र है, आप लोग चाहते हैं कि उनकी बहु प्रतिनिधित्व तो करें? अरे खूब मौज तो हम देखा बिटिया, खूब खुल के चले बूटन थे प्रधानमंत्री। चलिए, तो समर्थन यहाँ महिलाओं का जो है वो खुल कर मिल रहा है, क्योंकि डिंपल यादव सीधे महिलाओं से मिल भी रही हैं और कह भी रही हैं कि वो इस क्षेत्र की बहू हैं और उनसे समर्थन मांग रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ चुनाव में फिलहाल कुछ और बात नहीं दिख रही है, सिर्फ ये कि डिंपल यादव के का जो तरीका है, जो उनका व्यक्तित्व है, उससे तो महिलाएं खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से पहले मुलायम सिंह यादव का यहाँ काम रहा है, उससे भी महिलाएं जुड़ती नजर आ रही हैं डिंपल यादव से। चुनाव का हर रंग दिलचस्प हो चला है, लेकिन फिलहाल इन महिलाओं का समर्थन दिख रहा है डिंपल यादव के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, यूपी तक।